वेलकम टू आवर चैनल पपानु फन आर्ट। तो आज की जो वर्कशीट होगी वो UKG हिंदी की वर्कशीट होगी और बच्चों को जो बेसिक से हिंदी है वो कैसे सिखानी है, स्वर और व्यंजन उसके बारे में होगी, उस पर फोकस्ड होगी। तो मात्राएं बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवानी है उसके बारे में होगी। आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्वर क्रम से लिखो। जितने भी स्वर हैं, हमारे 13 स्वर होते हैं, तो लिखेंगे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ, छोटा अ, बड़ा अह। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन होएगा खाली स्थान भरे कुछ व्यंजन हैं, फिलिप्स हैं, तो करेंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे क, ख, फिर घ, च, श, ज, ट, ठ, ड, थ, द, ध, फ और भ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा स्वर से मात्रा को मिलाएं। जहाँ पर है तो मात्रा मिलाएंगे, आ की मात्रा को आ से, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ये छोटी ए की मात्रा है, ये छोटा ओ है और ये बड़ा अ है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 होगा हमारा, दिए गए व्यंजन की सहायता से शब्द बनाएं। दो अक्षरों के शब्द से बनाएंगे हम, न ल से नल, बच्चों से बुलवाने हैं न ग नग, ताकि उनकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव हो। न थ नथ और न ट नट। ठीक है, यहाँ पर आगे होगा क, हमारा सेंटर वर्ड है, कर कर, फिर कम, फिकल, देन कप। ठीक है, बच्चों को शब्द बनाने आ जाएंगे तो वो सेंटेंस भी इजीली बना लेंगे। तो नेक्स्ट भी हम जो टू लेटर्स के वर्ड्स हैं उनके ही खाली स्थान भरेंगे। प्रश्न नंबर 5 में अब डैश मत कर, क्या छल, 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 डैश पर चढ़, छत, डैश मत, लड़ मत, डैश से झल भर, नल से जल भर। तो ये कुछ बिना मात्राओं वाले शब्द थे। प्रश्न नंबर 6 होगा हमारा, बीच में आने वाले अक्षर लिखने हैं। ख के बाद आएगा क, ख, ग, प, फ, आ, छोटी ई, फिर बड़ा आ, य, र, ट, ठ, त, थ, श, ज, ब, भ, द, ध। बार बार बच्चों को करवाएंगे तो उनको स्वर और व्यंजन का सीक्वेंस और अक्षरों के पहचान जो है वो बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चे इजीली जो है याद कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 होगा हमारा, इन मात्राओं के दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे आ की मात्रा का बनेगा, एक बनेगा आम और एक बन जाएगा ककुआ, न कान। छोटी की मात्रा बनेगा पिन और एक बनेगा दिन। बड़ी की मात्रा का बनेगा कली और बनेगा चील। छोटा ऊ बनेगा हमारा पुत्र और दूसरा कुत्ता। छोटा बड़ा ऊ अब आएगा, उसका बनेगा ऊन और ऊंट, उसमें चंद्र बिंदु भी लगता है। छोटे ऊ की मात्रा का बनेगा कोट और ओम। बड़े ओ का बनेगा औरत और बनेगा और। ये बहुत ही इजी वाले वर्ड्स लिए हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, चित्र पहचान कर शब्द लिखें। इससे बच्चों की वोकैबलरी बहुत इंप्रूव होती है। सबसे पहले शब्द आता है हमारा सेब, देन छाता, फिर केला, आम, किताब, घर, बस। बहुत इजी इजी वाले लिए हैं, चांद, कप, नल, बादल, पेड़ और पंखा। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न नंबर 9 पे आएगा, रंगों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे रंग दिए हुए हैं, सबसे पहला कौन सा रंग है? लाल। फिर आता है हरा। फिर कौन सा रंग है? न को बड़ी ल को आ नीला, प को बड़ी ई ल को आ पीला, भ को बड़ा ऊ र को आ भूरा, क को आ ल को आ काला, ग को छोटी ई ल को आ ब को बड़ी ई गुलाबी, स फ को ए की मात्रा सफ़ेद। तो यहाँ पर है हमारे प्रश्न नंबर 10 है, फलों के नाम लिखने हैं, पिक्चर्स बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले कौन सा फल आता है? अंगूर। फिर आता है तरबूज। फिर आता है सेब। फिर संतरा, केला, अनानास, चेरी, चेरी भी कह देते हैं, चेरी भी कह देते हैं, पपीता, अनार और लास्ट में है चीकू। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट यूकेजी के बच्चों के लिए। होप आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, और आप घर पे बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आप बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करवा के देंगे तो बच्चे जो है इजीली अपना सिलेबस जो है वो कर लेंगे, और उनको याद भी होगा। तो ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर फानू फन आर्ट पर विजिट करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।